हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं परखा जी। गाइस, आप देख सकते हो अभी मैं कहां पे हूं। लोकेशन से आप लोग को पूरा आइडिया लग गया होगा, आइडिया की पूरा आप लोग समझ ही गए होगी कि अभी मैं कहां पे हूं। हम लोग करने वाले आज 100 रुपीज चैलेंज स्ट्रीट फूड इन पटना। तो चलिए देखते हैं 100 रुपीज में ना हम आज क्या सब खा पाते हैं। बहुत सारी चीजें मैं खाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए यही से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, लोकेशन की बात करूँ तो अभी मैं मोरिया लोक कॉम्प्लेक्स जो था ना, वो उठ के जो आ चुका है तारा मंडल के पास, अभी मैं वहीं पे हूँ। तो गाइस, टाइम आ चुका है इस रुपया को खर्चा करने का। तो अभी मुझे दिखा एक कार्ड, देख सकते पूजा लिट्टी कॉर्नर, बहुत ही ज्यादा फेमस है। 40 साल से ये लोग कार्ड यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना भैया। भैया सुनिए ना, एक हाफ दे दीजिए तो लिट्टी, एक लिट्टी। हाँ, यहाँ पे हम खाने वाले हैं एक लिट्टी, जिसका प्राइस है कितना, 15 रुपए ना। हाँ, 15 रुपए में हमको मिल जाएगा एक लिट्टी, ठीक है। तो खाते हैं फुल प्लेट। यहाँ पे आपको 2 लिट्टी मिलने वाला है 30 रुपए का, लेकिन मेरा उतना औकात नहीं है, तो हम हाफ प्लेट खाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी लिट्टी आ चुकी है। टेस्टी टेस्टी लग रही है देखने में। तो अब खा के आप लोग को टेस्ट बताते हैं, ठीक है। एकदम घी में डूबी हुई, आ हा हा, मजा आ जाएगा। यार, आप यहाँ पे आते हो ना तो इनका लिट्टी जरूर ट्राई करिए। मैं 3-4 बार ऑलरेडी खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी लिट्टी रहती है इनकी। तो जल्दी से इसे फिनिश करते और फिर जाएंगे कहीं। सो गाइस, हमने लिट्टी तो खा लिया, अब और पेट की जो भूख है ना वो अभी मिटी नहीं, और अभी लगी ही है। इतना सारा स्टॉल देख के ना भूख मेरा मिट नहीं रहा है, और अभी भी मेरे पास है टोटल 85 रुपीज़। तो अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सामने में दिख गया है बटाटा पूरी, जो कि मेरा फेवरेट है। तो कैसे मिलेगा प्लेट? 30 रुपया। 30 रुपया बजट से बाहर हो रहा है, क्योंकि 100 रुपीज़ में मुझे बहुत सारी चीज़ें खानी। आधा प्लेट दे सकते हैं क्या? 20 रुपये का बना दीजिए। 20 रुपया, 15 रुपये का बना दीजिए ना, हो जाएगा थोड़ा सा। जितना भी होगा ना 15 रुपये का बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे हैं भैया, बना रहे हैं 15 रुपये का, तो हम खाते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 रुपये का औकात नहीं है मेरा आज। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं हमारा बटाटा पूरी आ चुका है पूरे 15 रुपए का। तो अभी हम खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी लग रहा है देखने में। और 15 का ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग मत मांगने लग जाना, मेरी आज मजबूरी है क्योंकि मैं गरीब हूँ इस वजह से। तो चलिए खाते हैं, इंजॉय करते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी यमी सा टेस्टी लग रहा है। ओहो गाइस, वेट नहीं हो रहा है मेरे से, वेट नहीं हो रहा है। आहा, बहुत टेस्टी है, बहुत। इनका थोड़ा सा दिखा दीजिए स्टॉल, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पक्का से इनका ट्राई करिएगा। बहुत बढ़िया बटाटा पूरी बनाते हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत। तो जल्दी से तो फिनिश करते हैं और फिर 10-15 रुपये वाला खोजेंगे, कुछ मिल जाएगा तो पक्का से खाएंगे, कहीं नहीं खाएंगे भैया। सो गाइस, अब मेरे पास बचे हैं टोटल 70 रुपीज़। तो इसमें हम बहुत कुछ और भी खाने वाले हैं। 70 रुपये भाई कम नहीं होता है, बहुत बड़ा रकम होता है मेरे लिए, ठीक है। तो अब चलिए, यहाँ पे मुझे दिख चुका है, देख सकते हो टेस्टी टेस्टी से गोल गप्पे। तो यहाँ पे हम खाने वाले हैं गोल गप्पे। तो आइए भैया से पूछते हैं कैसे खिला रहे हैं। हाँ जी भैया, कैसे खिला रहे हैं गोल गप्पे? 10 का 5 है मैडम। 10 का 5? 20 का 5। 20 का 5 बहुत महंगा है। तो 10 का, हम तो 10 का खाना चाह रहे थे। कितना खिलाएंगे? 3 पीस। अच्छा ठीक है, 5 पीस खिला दीजिए ना। नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। ये इनकी इंसानियत है जो हमको 5 पीस खिला रहे हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस। अच्छा एक बात भैया, आप लोग गोलगप्पा इतना महंगा क्यों क्यों कर दिए? लोग को अच्छा लगता है इसलिए? सामान महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, तो फिर सामान की वजह से तो ये तो महंगा तो हो गया ही। सामान महंगा इसलिए गोलगप्पा भी महंगा। गाइस, 2 पीस गोलगप्पा भैया अपने तरफ से मुझे खिला रहे हैं, एहसान हम याद रखेंगे। क्या ही चाहिए जीवन में, बस एक सूखा चाहिए। थैंक यू सो मच।
बस अब मेरे पास टोटल बचे 60 रुपए, अभी मैं 4-5 जगह और खा लूंगी। बहुत सारी चीजें खा रहे हैं एंड यहाँ के जितने भी स्टॉल वाले बहुत अच्छे हैं नेचर वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको सस्ते में दे रहे तो हमको मतलब इसलिए अच्छे बोल रहे, नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छे हैं यहाँ के सारे जितने हैं कार्ट वाले सब। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी सा यम्मी यम्मी सा मिल रहा है, मोमोज, कुरकुरे मोमोज और भी बहुत सारे चिकन मोमोज, स्प्रिंग रोल, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, 40 रुपये, 60 रुपये, 30 रुपये, मेरी औकात नहीं है। तो सबसे कम था यहाँ पे 20 रुपये का, भैया बोले थे मतलब 20 रुपये में ना आपको 5 पीस मिल जाएगा यहाँ पे, वो जो होते हैं ना वेज वाले मोमो सिंपल से वो वाले मिल जाएंगे, तो हमको तो भैया वही चाहिए एकदम सिंपल सा और जो सस्ता हो थोड़ा सा वो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे रखा था, भैया फटाफट तैयार कर दिए एकदम, बहुत फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वेज मोमोज है, ये 5 पीस मुझे मिल चुका है, तो काफ़ी है मेरे लिए यार, पेट भी मेरा बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं कि खाते जाओ उस टाइप का नहीं। तो जल्दी से खा के आप लोग को बताते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, ये सब मेरे काम की चीज़ है ही नहीं, हाथ अपना, ठीक है। बहुत टेस्टी है मोमोज, सच में बहुत टेस्टी है, जल्दी से फिनिश करते हैं क्या, मेरे पास 60 रुपये बचे हुए तो हमको देना पड़ेगा यहाँ पे 20 रुपये, लीजिए भैया 20 रुपये। हम खा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और बहुत मज़ा भी आ रहा है, और अभी मेरे पास टोटल और भी बचे हुए हैं 40 रुपीज़, तो अभी ना हम 2-3 चीज़ तो और भी खा सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसा हो जाए तो खाते हैं। बाप रे महंगा तो बहुत ज़्यादा, यहाँ का जो चाट है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राहुल चाट, हम लोगों ने पहले भी ट्राई कर लिया है बट 40 रुपीज़ में मिलता है जितना कि मेरा बजट है नहीं आज का, तो देखते हैं अगर हाफ प्लेट मिलता है तो वो तो खा ही सकते हैं, अफोर्ड हम कर सकते हैं गाइस, लेकिन सिर्फ 20 रुपया, ठीक है भैया। हाँ हमको पता है 40 रुपये हमका चाट मिलता है, 20 रुपये का लगा सकते हैं, लगा दीजिए ना कम करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो 20 रुपये में हो गया हमारा काम, बन गया। तो 20 रुपये का चाट अभी लगाया जा रहा है तो हम खाते हैं, क्योंकि यहाँ का चाट ना बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और क्या ही चाहिए जिंदगी में, कितना भर के प्लेट हो गया हमारा, देख सकते हो। तो अभी हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस इनका चाट है इस वजह से मैं खा रही हूँ, और ये रहा मेरा 40 रुपये जो कि 20 रुपये से मुझे देना पड़ेगा, तो देते हैं पहले, लीजिए भैया अपने 20 रुपये। हाँ तो हमने तो दे दिया भैया, अब खाते हैं, तो हमारा टेस्टी टेस्टी सा चाट आ चुका है तो अब जल्दी से खाते हैं। मेरे पेट में इतना ज़्यादा आग लगा हुआ है ना, मुझे ही नहीं रहा। बहुत टेस्टी है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे मिल रहा है फालूदा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 70 रुपये का है कुल्फी वाला फालूदा। तो ये खा रहे हैं क्योंकि मेरा इसको ललचाएंगे आज, मेरा औकात नहीं है, मेरा औकात है गोला खाने का, तो हम जाएंगे अभी गोला खाने। ये खा रही है, इतना भी खाने का मन करेगा नहीं देंगे, रबड़ी मिलाया हुआ, वाओ देखने से कितना ज़्यादा टेस्टी लगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अफसोस की बात हम नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, आज हम खा नहीं सकते हैं। तो गाइस दीदी तो खा चुकी है, अब हम अपने लिए ना कुछ खोज रहे हैं, गोला वोला कहीं पे मिल जाए सस्ते में तो बढ़िया है। हाँ यहाँ पे तो मिल रहा, बाप रे बहुत ज़्यादा रुपए का मिल रहा, 25 रुपए का, ये भी तो महंगाई है तुम्हारे लिए, 10 में कुछ नहीं मिलेगा, 10 में आइसक्रीम मिलेगा, लगता है आइसक्रीम ही खाना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास टोटल अभी बचे हैं 20 रुपए, और 20 रुपए में एक भी गोला नहीं मिल रहा है। प्राइस थोड़ा सा दिखाइए इधर, प्राइस है 35 रुपीज़, 40 रुपीज़ ऐसे करके आपको मिल रहा है, 25 रुपये में भी, अच्छा बिस्लरी मिल रहा है 25 में, बट अभी हमको पानी नहीं पीना, हमको गोला खाना था बट औकात से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। खैर कोई बात नहीं ना, आइसक्रीम वाले भैया भी बगल में है, आइसक्रीम 10 का, वैसे बहुत बहुत मतलब मिर्ची वाला खाना खाए ना पूरा वो पेट में चल रहा है, तो अभी दे रहे हैं भैया आइसक्रीम 10 रुपये का। हाँ तो ये रहा हमारा आइसक्रीम, देख सकते हो चॉकलेट वाला, लीजिए
अब हमारे पास टोटल बचे 10 रुपए। 10 रुपए और पूरा ना रात का, उधर रात हो रही है, शाम हो रही है और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, सर्दी भी लग सकती है, बट कोई बात नहीं, पैसा नहीं बचने चाहिए। 1 रुपये फुल हो चुका है, यहाँ तक मैं फुल हूँ, फिर भी 10 रुपए बचे, देखते जाते जाते कुछ खा के ही जाएंगे। सब कुछ खत्म हो गया, 10 रुपए बचे हैं, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है हाइड्रेशन के लिए, जो कि है पानी। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल चुका है 10 रुपए वाला बिस्लरी, तो पीते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीट फूड ट्राई कर लिए, तो अब थोड़ा सा पचने के लिए ना इसकी ज़रूरत है मुझे। लीजिए भैया। तो गाइस, इस चैलेंज को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे पास लास्ट का 10 रुपीज़ बचा हुआ था, 10 रुपया पूरा, तो मैंने ये पानी का बॉटल ले लिया, तो ये मैं समझने की चीटिंग किया, क्योंकि 10 रुपये में और क्या ही मिलता, और मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।